तो ये जो थ्योरी था इसके बारे में मैं बात कर रहा था मैंने इस थियोरी को कंपेयर भी किया था विथ रिस्पेक्ट टू द यू कैन से टॉपिक कॉल इज अः जेनेटिक्स है ना जहां पे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में बात किया था उसमें हम लोगों ने देखा था म्यूटेशंस वाले पार्ट्स को राइट right?

फाइन तो ये सारी बातें जो है ये हम लोग ने ऑलरेडी काफी सारा बात किया था इसके बारे में इवन वी है स्टेप्स इन्वॉल्व इन दाइब्रिडेशन टेक्निक इन द बिगनिंग ऑफ द प्रिंसिपल इनिटेंस एंड वेरिएशन राइट तो ये सारी बातें हम लोगों ने की थी पहले भी नेक्स्ट जो टॉपिक आता है तुम्हारे सामने जो की एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इम्पोर्ट है दैट इज कॉल्डिक ड्रिफ्ट जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब क्या है एलिमिनेशन ऑफ द जीन्स और एलिल्स फ्रॉम ए पॉपुलशन ड्यू टू एनी रीजन अब वो रीजन कुछ भी हो सकता है समझ में आ रही है क्या बोला जाता है सेव यू ऑल रिट इफेक्ट तो इसके बारे में अभी ये आप लोग को समझना है लेट्स टॉक अबाउट सम नेचुरल सेलेक्शन ओवर हिस्स तो जैसे की नेचर सेलेक्ट द बेटर एंड अडेप्ट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म ये हमको पता है जैसे कि आज का ही डेट ले लो कोरोना जैसी सिचुएशन चल रही है जिसकी इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी है ना जो लोग अपने आप का हाइजीन मेंटेन रख रहे हैं जो लोग घर में हैं कंटिन्यूअसली हाथ साफ वगैरह कर रहे हैं ये सारी जो बातें चल रही है सिंपल सी बात है यही लोग जो है वो काफी अच्छा सरवाइव करेंगे जो सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं है कि नहीं अगर आप लोग ये अपना ध्यान नहीं रखोगे तो फिर ये सारी जो बीमारी जो स्प्रेड हो रही रही है है वो एक ना एक ना दिन आपको आपको भी ले लेगी समझ में आ, रही है? तो आपको क्या करना है बाहर की सिचुएशन को देखते हुए अपने आप को सुधारना है अपने आप को मेंटेन रखना है बात समझ में आ रही है सो दैट इज ओनली द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट नेचर सेलेक्ट द बेटर अडेप्टर जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहेगी उनपे कोरोना का ज्यादा असर देखने नहीं मिलता है एज अब बेस्ट एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड ओके यही स्टेटमेंट डारविंस का भी था नेक्स्ट बेटर एडेप्टेड ऑर्गेनिज्म जो बेटर क्वालिटी का मतलब जो बेटर लोग सर्वाइव करेंगे उनकी जो इम्यूनिटी है वही इम्यूनिटी देखने मिलेगी लेकिन ऐसा नहीं कि आने वाला जनरेशन एकदम बेस्ट इम्यूनिटी लेके पैदा हो जाएगा उसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा उसको भी टेक केयर करना पड़ेगा उसको भी सारी चीजें बतानी पड़ेगी दब जाके बाकी सारी मेंटेलिटी उसकी डेवलप होगी एंड देन ही टू दैट ओके लेकिन जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ देखो एग्जाम्पल देता हूँ एक और अगर मॉस्किटो रिपेलेंट स्प्रे अगर तुम लोग घर में यूज कर रहे हो मान लो अभी मॉस्किटो उसके लिए भी अडेप्ट हो चुके हैं दे हैड प्रोड्यूस न्यू न्यू जो बना लिया उन लोग ने नए स्पीशीज बना लिए जो कि ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स के ऊपर वो लोग ऐसे मॉस्किटो रिपेलेंट्स उनके ऊपर काम नहीं करने वाले सो यू काइंड ऑफ रिपेलेंट जो कि मॉस्किटो को किल कर पाए बात समझ में आ रही है ना तो ऐसी सारी सिचुएशंस को लेके आगे जाके प्रोसेस होते हैं ओके okay, तो ये एक एग्जाम्पल था टू मेक यू श्योर विद रेस्पेक्ट टू द टॉपिक इज दॉपिकल सिलेक्शन कमिंग टू द नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल मेलानिज्म ओके बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं इन द अर्ली नाइनटीन सेंचुरी वेन देर वॉज नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वॉज देर एग्जाम्पल हम लोग ले रहे एक लोकेशन ले रहे हैं जिसका नाम है इंग्लैंड जहां पे एक प्लेस है ब्रेहिंगम ओके okay? ब्रेहिंगम प्लेस के बारे में बात करेंगे सो so, ग्रे कलर मॉथ एग्जिस्टेड ओके okay? इन लार्ज नंबर द साइंटिफिक नेम जो है ग्रे कलर मॉत का वो है बिस्टोन बैटल एरिया ड्यू टू नो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट लाइकन वॉस टू ग्रो इन प्लेंटी और ऑन ऑन अ बार्क, ओके, जिसको हम लोग कहते हैं ग्रेश कलर के जो लाइक उनकी बात चल रही है हम लोग कहते हैं बिस्टोन कार्बोन एरिया ओके वेरी फ्यू अभी हाँ पे आप लोगों के सामने दो एग्जाम्पल्स रखे गए हैं एक तो ग्रे कलर का मौत है जिसका नाम है बिस्टॉन एरिया और एक जो कि ब्लैक कलर का मौत है जिसका नाम है बिस्टॉन कार्बन एरिया ओके okay, कार्बन कार्बन ब्लैक कलर ऐसे इमेजिन करो इसको तो दिमाग में फिट हो जाएगा अभी क्या बोलता है आफ्टर फ्यू इस ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट सो सी ड्यू टू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देर इज अन से काइंड ऑफ वेरी पोलूशन एरिया राइट सो डिपोजिटेड ऑन द बार्क

तो इसको समझाने के लिए चलो आपके सामने एक व्हाइट स्क्रीन ओपन ही कर देते हैं तो और ज्यादा इजिल समझ में आ जाएगा तो ये व्हाइट स्क्रीन आप लोगों के सामने लेके आता हूँ अभी मानते हैं कि ये जो प्लांट है फाइन ऐसे मान लेंगे ये प्लांट है और ये तभी का प्लांट है जब देर वॉज नो इंडस्ट्रियल रेवल्यूशन ओके मतलब क्या नो इंडस्ट्रीज वॉज देर तो आई स्टैंड फॉर द इंडस्ट्रीज ओवर ठीक है ऐसे मान लेते हैं जब नो इंडस्ट्रीज है मतलब नो पोल्यूशन बात समझ में नो इंडस्ट्री नो पोल्यूशन एटमोस्फियर वॉज वेरी कूल राइट सो

पॉल्यूशन हुआ करता था तो ठीक है आप लोगों के सामने मैंने दो रख दिए हैं सिनेरियो पे ओके okay, अभी हम लोग इसको डिफरेंशियट कर लेंगे फाइन तो अभी कैसे करेंगे तो ये देखने वाली बात है मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे एक कलर लेते हैं जिसके कारण मैं बताऊंगा कि यहाँ पे पोल्यूशन नहीं है इंडस्ट्री नहीं है तो ये जो बार्क है ना इनके ऊपर लाइकेंस थे क्या थे इनके ऊपर लाइकेंस ग्रो हो रहे थे जिनका कलर ग्रेश था ऐसे मान लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे ये जो रेड कलर मैंने लेबल किया है इसको हम लोग क्या लेबल करेंगे लाइकेंस बार्क ओके सो दट इज असिफिक लाइकन की लाइकन जो है वो नॉन पोल्यूटेड रीजन में काफी अच्छे से ग्रो करते हैं ऑन द बार्क ओके अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग बिस्ट्रॉन बेटुल एरिया ले को लेके तो जो बिस्टॉन बेटुल एरिया है जो मौत है ग्रेस मौत ये क्या है यह हमारा ग्रे मौत है कौन सा मौत है ग्रे कलर मौत है ये जो मौत है ये जो बटरफ्लाई टाइप टाइपर होता है ना मौत तुम लोगों को पता होगा ये जो मौत है ये क्या करता है ये बड़े आराम से इसके पर कर जाते जाते हैं 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 ओके मतलब एक्चुअली हो जाते मान लेते हैं, हम लोग थोड़ा सा ऑरेंज टाइप का कलर लेते हैं थोड़ा सा इससे मिलता जुलता हुआ कलर ठीक है एक काम करते हैं इसको जो मैंने यहाँ पे बनाया है इसको पहले हटा देते हैं फाइन आप लोगों के सामने जो एक्चुअल कलर है उसी को रखते हैं तो ये मैंने कलर चेंज कर दिया है मान लो कि ये हमारा ग्रे कलर है ओके क्या है हमारा ग्रे कलर है ठीक है तो ये ग्रे कलर के लाइक इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, ओके और इसी के ऊपर हमारा बिस्टोन बैटुल जो पर्सन है वो आएगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे थोड़ा सा ना डार्क कलर ले, ले लेते हैं इसी से मिलता जुलता ओके तो ये हमारा बिस्टॉन बैटुल है जो कि इसके ऊपर आके बैठा है ओके okay, ऐसे मान लेते हैं अब ये जो यहाँ पे जो डार्क ग्रे कलर मैंने रखा है वो मान लो हमारा बिस्टोन बेटुलरिया वाला मौत है वो उसके ऊपर बैठा है और वो क्या हो गया वो कैमो हो गया इतना जल्दी अपियर नहीं करता है लेकिन मान लेते हैं हम लोग ये जो एक डार्क कलर का जो मौत होते हैं हम लोग उसको ऐसे कर लेते हैं ठीक है तो जो डार्क कलर के मौत होते हैं वो काफी इजीली विजिबल हो रहे हैं बात समझ में आ रही है तो ये कौन है बिस्टोन कार्बोन एरिया तो ये क्या हो गया हमारा बिस्टोन ओके

देर इज पोल्यूशन इज देर वट इज देर इज अ पॉल्यूशन पॉल्यूशन क्या होता है पोल्यूशन में लाइकन ग्रो नहीं करते हैं क्योंकि लाइकन को क्या कंसिडर किया तो जो पोल्यूटेड एरिया देता है वहाँ पे नहीं देखने मिलते हैं। तो बार क्या हो जाता है बार के एक्सपोज हो जाता है बात समझ में आ रही है तो बार क्या हो गया यहाँ पे एक्सपोज हो गया है आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग है ना तो बार का कलर क्या होता है नॉर्मली ब्लैक टू डार्क ब्राउन इस टाइप का कलर होता है तो उनके ऊपर लाइक नहीं है मान देते हैं अभी हम लोग यहाँ पे ब्राउन कलर इंडिकेट करता है की वो बिस्टोन कार्बोन एरिया की स्पीशीज है ब्राउन कलर करता है है कि वो बिस्टोन कार्बोन एरिया की स्पीशीज ठीक है तो तो ये तो आराम से कैमोफ्लेज हो गया रीजन क्या है क्योंकि दोनों कलर बैकग्राउंड में भी डार्क है और वो खुद भी डार्क है तो इनकी जो पॉपुलेशन है ना वो हमेशा इंक्रीज होगी बात समझ में आ रही है तो ये क्या हो जाएगी ये इंक्रीज हो जाएंगे लेकिन वही अगर मैं यहाँ पे कंपेयर करूँ विद रिस्पेक्ट टू द ग्रेस कलर के मौत तो देख लो ये डायग्राम में कलर कितना विजिबल हो गया बात समझ में आ रही है तो ये जितना विजिबल दिख रहा है यहाँ पे जो ग्रे कलर विजिबल हो रहा है रीजन क्या है क्योंकि वो लाइट कलर है तो लाइट कलर वालों की जो पॉपुलेशन है ये बिस्टॉन बेटुल एरिया हमारा ये क्या हमारा बिस्टोन बेटुलरिया बेटु तो बीबी लिख देता हूँ यहाँ पे सो बिस्टॉन बेटुल एरिया वाले के जो पॉपुलेशन है वो गिर जाएगी क्योंकि वो लोग दिखने लगे है ना बात समझ में आ रही है तो यही वाइस वर्षा की कंडीशन है अगर कंडीशन बहुत अच्छी है नो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टेकन प्लेस और वहाँ पे लाइक ग्रो हो रहे हैं तो बार्क पैटर्न के ऊपर पूरा सा लाइक ग्रो कर जाएगा और वो वो जो होते हैं वो ब्राइट कलर में होते हैं तो ब्राइट कलर

आप लोगों ने सपोर्टिव एग्जाम्पल देखा है लेट्स प्रोसीड विथ रिस्पेक्ट टू द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन देखते चलो आगे तो ये पूरा जो प्रोसीजर है ये मैंने आप लोगों के स्क्रीन पे रख दिया है ओके

Coming to the next part, जैसे कि मैंने मॉस्किटो का एक्साम्पल दिया वही मॉस्किटो, मतलब डीडीटी इतना स्प्रे कर दिया मॉस्किटो पे, अब मॉस्किटो खुद ने ऐसी uh, ला ली है कि वो लोग कर लेते हैं को। को तो तो वालों को कुछ नया लाना पड़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा कि किया okay? so in तो क्या क्या? क्या? खुद के जीन जेनेटिक लेवल में चेंजेस लाए थे जिसके कारण दे आर इजिल डीडीटी आल्सो ओके सो नेक्स्ट सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात करते हैं ये ऑलरेडी मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ इन्दर चैप्टर कॉलेजर पॉइंट म्यूटेशन इन्दर दैट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ इन्डेंटेंस एंड वेरिएशंस ठीक है सिकल सेल एनीमिया हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ा था यू कैन से न�

क्योंकि जो लास्ट सीनारियो हम लोगों ने देखा था एच बी एस एच बी एस वाली जो कंडीशन आती है उसमें तो बंदा मरने वाला है वैसे भी ठीक है तो वहां पे मलेरिया का भी कोई चांस नहीं बनता लेकिन HBA, HBS वाली जो केस है है वो बहुत रेजिस्टेंस होती टू द मलेरिया क्योंकि उनका ऑलरेडी हाफ ऑफ द द आरबीसी गेटिंग बाय सिकल सेल एनीमिया ओके सो ऐसे लोग यहाँ पे सर्वाइव करने वाले काफी कंफर्टेबल फील करेंगे जो कि अफ्रीका में है क्योंकि उनको मलेरिया बहुत रेयरली होगा ओके वेरी इफेक्टिव एंड दे आर रेजिस्टेंट टू द मलेरिया

दही में कन्वर्ट करना है तो दूध में तो दही डालना पड़ेगा ना तो दूध क्या एक मीडियम है और दही तो बैक्टीरिया है जब बैक्टीरिया दूध में डालोगे तभी बैक्टीरिया वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द दूध है उसको पूरा कन्वर्ट कर देगा सही बात है दही में तो इन शॉर्ट क्या हो रहा है तो की पॉपुलेशन बढ़ रही है ना तो वो दूध जो है वो कल्चर मीडियम हो गया समझ में आ रही है ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन में क्या करते हैं पेट्री प्लेट लेके रख देते हैं विद रिस्पेक्ट टू द न्यूट्रिय मीडियम और जब भी एटमोस्फेयर में जो भी स्पोर्स वगैरह रहेंगे वो उसके पर गिरते हैं अगर हम लोगों ने उसको प्रॉपर तरीके से इनोक्युलेट कर दिया तो हम लोगों को कुछ आफ्टर लाइक ट्वेंटी फोर आवर्स फोर्टी एट आवर्स फॉर्टी टू आवर्स मतलब दो दो दिन तीन दिन बाद अगर आप लोग पेट्री प्लेट देखोगे तो वहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स के कॉलोनीज फॉर्मेशन मिलते हैं बैक्टीरिया के डिफरेंट डिफरेंट कॉलोनी देखने मिलते हैं दैट शोज द Uh, कि कल्चर मीडियम के बैक्टीरिया या फिर जो भी स्पोर्स वगैरह है वो ग्रो करते हैं लेकिन यहाँ पे क्या बात चल रही है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है ना एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का मतलब क्या सीन है जैसे कि मान लो कुछ एंटीबायोटिक आप, आपने पूरे जो सैंपल है मान लेते हैं ऐसे करके कि जो पेट्री प्लेट है अगर आप लोगों ने वहां पे एंटी बैक्ट एंटी बैक्टीरिया लिए रखा हुआ है क्या बोलते हैं हम लोग उसको आ, एक पर्टिकुलर कोई भी चीज लेते हैं जैसे कि टर्मरिक ले, ले लेते हैं या फिर आप लोग बोल सकते हो पेनिसिलिन ले लेते हैं ठीक है तो ये ये जो है जैसे कि मैं यहाँ पे बता देता हूँ देख लो ये मान लो मैंने पेट्री प्लेट बनाया और ये पेट्री प्लेट में ऑलरेडी न्यूट्रेट मटेरियल मैंने फिल किया है क्या फिल किया है न्यूट्रेन मटेरियल पे फिल किया है लेकिन इस न्यूट्रेन मटेरियल में मैंने यहाँ पे एक, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट एक्टिविटी रख दी मतलब क्या एक ऐसा सिक्वेंस रखा है मतलब एक ऐसा आ, ये बोलते हो आ, पेनिसिलिन रखा है पेनीसिलीन नोटैटम रखा है तो इसके आसपास कोई भी चीज ग्रो नहीं करेगी बात समझ में आ रहा है इसके आसपास कोई भी चीज ग्रो नहीं करेगी वही लेकिन बाकी सारे एरिया में ग्रो करेगी इससे क्या पता चलता है कि ये जो बंदा है ये अपने आस कोई भी ऐसे बैक्टीरियल ग्रोथ होने नहीं देता है डायटमी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी है उस उस बंदे के पास पेनिसिलिन के पास एंटीबायोटिक an प्रॉपर्टी है इसलिए इसको वर्ल्ड वॉर टू में भी यूज किया गया था टू ही टू हील द दुनस ऑफ द सोल्जर्स ओके तो ये भी आप लोगों के लिए एक खास इन्फॉर्मेशन आती है यहाँ से इन शॉर्ट एंटीबायोटिक की जो एक्टिविटी रहती है वो इसी तरीके से कल्चर करके पता की जाती है ओके सो लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक को लेके यहाँ पे मींस लेट्स सी द द नेक्स्ट वन दैट इज ओरिजिन ऑफ प्लांट ओके तो ये जो हमारा है नया टॉपिक वो सारे द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स ये बेटा एक सिंपल सा एक छोटा सा टेबुलर कॉलम है जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसको ऐसे के ऐसे ही दिमाग में फिक्स कर लो क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे आप लोग बड़े कमाल से और इजिली इसको डील कर ओके जैसे कि देख लो ओरिजिन प्लांट्स के बारे में बात चलिए तो कुछ यहाँ पे पीरियड्स मैं जिसको ओलिगोस के नाम से भी पहचाना जाता है okay, so क्या तो जैसे कि सिलोरियन है यहाँ पे फर्स्ट टेरिडोफाइट्स डेवलप्ट हुए थे डिवोनियन में फर्स्ट प्रो जिम्नोस्पर्म डेवलप्ट हुए थे कार्बोनिफेरस में फर्स्ट जिम्नोस्पर्म का एवोल्यूशन हुआ था देन क्रिटेशियस में

देन कार्बोनी फेरस में एम्फीबियंस देखने मिले थे जुरासिक में हम लोग को डायनासोर्स देखने मिले थे एंड में हम लोगों को रेप्टाइल्स एंड जिम्नोस्पर्म्स देखने मिले थे एंड सीनोजोइक जो एरिया है यहाँ पे मैमल्स बर्ड्स एंड एंजियोस्पर्म्स का एवोल्यूशन हुआ था ठीक है तो ये सारी बातें आप लोगों को पिक्यूलर एग्जाम्पल्स के साथ मैंने मैंशन है इसको याद करने की कोशिश करो क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इससे डायरेक्ट आंसर तुमको मिल जाएंगे फॉर एक्जाम्पल सी एम्फीबियंस इवॉल्व फ्रॉम

रही है ये तो यहाँ पे थोड़ा सा ठीक से ध्यान देना ओके सो दट थिंग्स विल बी गेटिंग वेरी क्लियरलीके सा सो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट If you want to see the dinosaur, इट वुड बी देश टू सी सेट द कंट्रोल ऑफ योर टाइम मशीन फॉर दैट अभी ये पूछ रहे हैं तो मिसा प्री कैम्बेरा एंड कार्बोनिफेरस एरा देखो यहाँ पे जो हम लोगों ने देखा था डायनासोर जो था वो हमारे कौन से पीरियड में थे चलो देखो इसको ठीक है सो सी इन दूपर वाला प्लांट के लिए दिस इज दर जुरासी किरा में था लेकिन बात समझ में आ रही है आप लोगों को देखो दो ऑप्शन है कार्बोनिफेरस

मतलब यर यू शुड गो फ्रॉम कैम्ब्रियन टू द डाउनसाइड ओके दैट इज अ मिसोजोइक एरा में जाओगे सो दैट यू कैन क्योंकि ठीक उसके पहले देर इज अ डायनासोरस एंड ऑल दोस थिंग्स आर देयर ओके सो सी इसको देखो थोड़ा सा देख के आप लोगों को समझ में आ जाएगा नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट सम आर्टिफिशियल सिलेक्शन तो ये देखो अभी यहां पे कुछ नया सा सिनेरियो आने वाला है

एच बी एच बी ए वाला केस होता है देन जो कि हंड्रेड परसेंट प्योर रहता है एच बी एस एच बी एस ये जो कंडीशन है इट इज अ कंप्लीट सिकल सेल एनीमिया का प्रॉब्लम है पे इंसान मर जाते हैं और एच बी एच बी एस का अफ्रीका को लेकर लेकिन नहीं तो अफ्रीका के लिए कंडीशन क्या है कि वो लोग मलेरियल रेजिस्टेंस है ना तो ये एच बी एंड एच बी एस वाली कंडीशन सुटेबल कंडीशन है क्योंकि ये लोग को मलेरिया नहीं होने वाला है क्योंकि ये लोग रेजिस्टेंस है टूअर्ड्स मलेरिया लेकिन एच बी ए बेस्ट है मलेरिया होने के लिए क्यों पता है उनका ब्लड जो है वो प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है और ये तो वैसे भी डेड uh, होने वाले इनका क्योंकि सारा जो आरबीसी है वो कम्पलीटली इफेक्टेड है और आरबीसी क्यों चाहिए होता है मलेरिया के क्योंकि जो गैमेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन का वो आरबीसी के अंदर ही होता है ठीक है तो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे एच एंड एच का जो कंडीशन है वो एलिमिनेट होने वाला है इज इट अ गुड ब्लड तो वहां पे गैमेटोजेनेसिस uh, का जो प्रोसेस है वो काफी अच्छी तरीके से होंगे मतलब उनको मलेरिया होने वाला है है ना इसलिए वो एलिमिनेट हो जाता है तो सेलेक्ट कौन होता है एलिमिनेट का मतलब क्या है दो आर द चांसेस दैट गेटिंग मलेरिया और वो लोग मरने के चांसेस रहते हैं ठीक है तो नेचर में सेलेक्ट कौन होता है तो एच बी एच बी एस कंडीशन सेलेक्ट होती है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट दैट इज अ डायरेक्शनल और प्रोग्रेसिव जो मैथड होता है अभी इसको देखते हैं मोस्ट एडेप्टेड आर सेलेक्टेड एंड द इंडस्ट्रियल मेलानिज्म और डीडीटी रेजिस्टेंट इन द मॉस्किटो आर द बेस्ट एग्जांपल ओवर हियर तो हम लोगों ने बात किया था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब क्या ग्रे मॉथ की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी एज कंपेयर टू द ब्लैक मॉथ लेकिन वही आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्लैक वोलो की पॉपुलेशन ज्यादा रहेगी वेर एज कम्पेयर टू द ग्रे मॉथ अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले इसके बारे में डिस्क्राइब किया था राइट

Black one is blend on the black तो मतलब ब्लाक वाला ब्लाक के साथ ब्लेंड हो जाएगा और जो सैंड है वो ऑलरेडी व्हाइट कलर में देखने मिलती है तो उसके साथ व्हाइट वाले हो जाएंगे ब्लेंड ओके okay? लेकिन जो ब्राउन होता है वो इंटरमीडिएट है वो सैंड पे भी दिखेगा और वो ब्लैक पे भी दिखेगा तो वो बेचारा तो गाया काम से बात समझ में आ रही है तो ब्लैक वाला देखो एंड व्हाइट वाला देखो उसके बीच में इंटरमीडिएट वाला जो है वो घटने वाला है उसका पॉपुलेशन क्या होने वाला है घटने वाला है मतलब पॉपुलेशन ब्लैक वालों की और व्हाइट वालों की ग्रो करेगी और ब्राउन वाले की कम हो जाएगी क्योंकि ब्राउन कलर वो ब्लैक पे जाए या व्हाइट पे जाए वो तो विजिबल होने वाले हैं ठीक है थीके? तो ये लॉजिक है इनके पीछे कंपल्सरी क्वेश्चन बनते याद कर लो ओकेट प्रोसीड विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज कॉल्ड Weinberg प्रिंसिपल्स और हार्डी विन्बर्स लॉ That is a population genetics. Can is common population genetics? Population genetics means what? The study of frequency of a gene in a population. Hardy winber principle means it says that the relative frequency of an allele. जनरेशन टू जनरेशन इन्हेंगेक्शन ये जो पॉस्टलेट यहाँ पे जो एप्लीकेबल दिया है ये ऐसे के ऐसे ही

प्रिंसिपल में कुछ ऐसे कॉमन चीजें जो हम लोगों ने जेनेटिक्स में डील की थी और यहाँ पे उसको थोड़ा सा अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया है। मतलब किया जाता है तो डोमिनेंट को दो कंडीशन में ऐसे लिखते ना नॉर्मल केस में डिप्लॉड कंडीशन ए ए में लिखेंगे स्मॉल okay? अल्फाबेट के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है तो उसको इस फॉर्म में लिखेंगे A -A, और को इस तरीके से लिखा जाता है कैपिटल ए स्मॉल है तो वही

चेंजेस तो देखने मिलते हैं चाहे वो बढ़ेगा लेकिन या तो फिर घटेगा उतने से ठीक है जेनेटिक ड्रिफ्ट एक अलग से टॉपिक है बड़ा इंटरेस्टिंग है मान लो एक बॉटल है और एक बॉटल में बहुत सारे डिफरेंट कलर के जेम्स पड़े हुए मैंने बॉटल को इन्वर्ट कर दिया क्या कहते हैं इन्वर्टेड कर दिया और रैंडमली कुछ जेम्स है ना जो डिफरेंट कलर के बाहर आ जाते हैं मान लो उनमें से दो तीन कलर आ गए एटलीस्ट मैंने मान लो छे कलर उसमें रखे हैं उनमें से कुछ कलर्स बाहर आ जाते हैं रैंडमली और वो कलर्स क्या होते हैं वो फाउंडर्स कहलाते हैं मतलब वो लोग अपने जैसे एक कम्युनिटी फॉर्म कर लेंगे अपने जैसा एक पॉपुलेशन बना लेंगे ठीक है एक सोसाइटी बना लेंगे तो हम लोग उनको क्या बोलेंगे जस्ट बिकॉज फ्रॉम देम ओनली सम इंडिविजुअल तो वो पर्टिकुलर सोसाइटी डेवल्ट हुई है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे फाउंडर इफेक्ट्स बोलेंगे क्या बोलेंगे दिस आर द फाउंडर ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉपुलेशन इसलिए हम लोग इसको फाउंडर इफेक्ट्स के नाम से भी कहते हैं सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर हियर फाउंडर इफेक्ट को समझ लो यहां पे ठीक है एक है नेचुरल सिलेक्शन

इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन तो पी दैट इज नथिंग बट एम उसकी वैल्यू पुट कर दो क्यू इज नथिंग बट एम दैट इज उसकी वैल्यू पुट कर दो ये रहा टू पी क्यू और टू पी क्यू कैसे निकलेगा जब पी और क्यू को मल्टीप्लाई करोगे टू के साथ तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सो दिस इज वॉट द आंसर आई एम गेटिंग जीरो पॉइंट फोर टू तो टू पी क्यू वैल्यू मिल गई मेरे को अभी इक्वेशन में पुट करो लेकिन इक्वेशन में क्या चाहिए पी का स्क्वायर चाहिए और क्यू का भी स्क्वायर चाहिए तो दोनों को स्क्वायर कर लो यू विल बी गेटिंग 0.49 पॉइंट फोर नाइन एंड पॉइंट नाइन एज आंसर और ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा वैल्यू सब्सिट्यूट की अगर वन आता है देन बिलोंगिंग अदरवाइज नहीं आता है तो फिर नहीं होता है कॉन्टेंट ठीक है लेकिन टू पी क्यू की वैल्यू पूछी थी सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन तो ये तुम लोगों ने फाउंड कर लिए लिएइंट फोर टू बात समझ में आ गई सो दिस इज हाउ द सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम दर्ड इवर प्रिंसिपल डोट वरी वी विल डिस्क्राइब वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोर क्वेश्चन

और दोनों के क्रोमोजोन नंबर देखो तो 18 18 है कंडीशन में और haploid, haploid, जब मिक्स होंगे तो इंडिविजुअल भी 18 दिखाएगा अभी इसके बारे में थोड़ा सा और डिस्क्राइब करेंगे हम लोग ठीक है जैसे कि देखो यहाँ पे जो 2n एंड इज इक्वल टू एटीन मिला था मेरे को उसको मैं थोड़ा सा केमिकली ट्रीटेड करूंगा ताकि उसके क्रोमोजोन नंबर है ना वो डबल हो जाए तो एटीन प्लस मिलेगा तुम लोगों को बात समझ में आ रही है तो एटीन प्लस का कितना होता है थर्टी कंडीशन आ जाता है

अगर ये 4N, haploid मतलब इसका 4N का 2N हो जाएगा ऑलरेडी मतलब डिप्लॉड में तो इसका haploid कितना हो जाएगा सेवन तो ये हो जाएगा मेरे पास triploid वाली नंबर ऑफ द क्रोमोसोम अब इसको अगर मैं डबल करूंगा विद रिस्पेक्ट टू द केमिकल ट्रीटमेंट तो ये hexaploid कंडीशन हो जाएगी टू क्रोमोजोम है सो ट्राइटी so, जो भी कैरेक्टर चाहिए थी, मुझे देखने मिलती है सो दिस इज हाउ द क्रॉसिंग कैन बी डन एंड द न्यू वेराइटीज कैन बी ऑप्टेंड ओवर हियर ओके सो पोलिप्लॉडी का एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के सामने रखा है कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट लेट्स अबाउट द ग्रेजुअल स्पीशीज स्पीशिएशन दैट इज अलो एलोपैट्रिक या फिर सिम्पैट्रिक सिंपेट्रिक okay? तो एलोपैट्रिक यानी डार्विन एलोपैट्रिकार जो भी हम लोगों ने पे पढ़ा था वो सारे एलोपैट्रिक बन जाते हैं इज डेवलप फ्रॉम द सिंगल ग्रीन हैबिटेट ओके दूसरी बात क्या है यहाँ पे देखो सिंपेट्रिक में पिक फ्रॉग एंड गोपर फ्रॉग जिनको कहा जाता है दे फाउंड इन द सेम जियोग्राफिकल एरिया डिफरेंट इकोलॉजिकल और इथोलॉजिकल निश यानी हैबिटेट

Mating, में okay? और यहाँ पे आता है mortality, mortality, hybrid mortality, hybrid sterile, liger, tiger, जो, okay? जो लास्ट पार्ट हमारे टॉपिक का है डेट इज एवल्यूशन का डेट इज अ ड्रायोपैथिकस एंड द रामापैथिकस

कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे दिस आर अफ्रीकन एप मैन के नाम से पाए, uh, माने जाते थे उनको uh, जो ईस्टर्न अफ्रीका के रहने वाले थे फॉसिल डिस्कवर्ड बाय द रामानन डार्ट ओके यू यूज्ड स्टोन्स वेपन दे आर हंटर्स एंड देयर क्रैनियल कैविटी अराउंड 600 क्यूबिक सेंटीमीटर दे यूज्ड टू एड द फ्रूट्स बाइपेडल लोकोमोशन मैन लाइक टीथ हैड द लंबर कर्व ओके लंबर कर्व यानी जो हमारा एक्चुअली हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ये जो हमारा ये क्या कहते हैं उसको स्पाइनल कॉर्ड है तो दिस रीजन विल बी कॉल्ड एज ए लंबर कर्व ओके सो ये आप लोगों के सामने एज अ टू एग्जांपल्स ऑफ द फॉसिल्स हैज बीन मेंशन ओके नेक्स्ट होमो हैबिलिस की बात करें

Was में थे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होमोसेपियन फॉसिल के नाम से पहचाने जाते थे okay? so, के बारे बात करू तो उनको कहा जाता है क्रोमैगन देर टॉल इरेउंडीन हंड्रेडी क्यूबिक सेंटीमीटर एंड दे वेर यूज टू लिव इन केवे कार्वोल्स थे और जो सोफेस्टिकेटेड टूल यूज करते थे जैसे होते हैं जैसे कि मॉडर्न मैन डोमेस्टिकॉर द एग्रीकल्चर स्टार्टेडिंग एथनिक ग्रुप जैसे कि निग्रोइ्स फ्रॉम द एफ्रीका लवा के इंग्लैंड एंड इटली एंड ईस्टर्न जो कि जापान एंड चाइना ऑस्ट्रेलिया से थे एंड द मंगोवर्ट जो थे मंगोलियन से बिलोंग करते थे तो यहाँ पे जो आपका जो टॉपिक है दैट इज इवोल्यूशन वी हैेरी क्लियरली जो भी डाउट रहेंगे यू कैन जस्ट व्हाट्सएप आई विल बी हेल्पिंग यू टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट ओके थैंक यू वेरी मच